सो हे गाइस, क्या हाल चाल भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं आरम माइकल के साथ। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने यार दो सुपर कार चोरी की थी। ट्रेवर और माइकल ने मिलकर यार फिल्म सिटी से लंबोर्गिनी चोरी की थी, और अभी गाड़ियों को चोरी किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और मेरे पास लेस्टर का कॉल आया था, और लेस्टर ने बोला कि हम लोग उसके पास गाड़ियाँ पहुँचा दें और उसके बदले वो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे देगा। तो आज अपने पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होने वाला है, और मेरा प्लान है कि यार अपन लोग अभी एक गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने बढ़िया सा घर खरीदा है और हमारे पास यार गाड़ी की काफ़ी कमी है। मेरे पास एक सुपरा है जिसको मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, क्योंकि वो गाड़ी ना भाई बहुत ज़्यादा तेज भागती है। तो इसीलिए मेरे को एक और गाड़ी लेनी है। तो आज मेरा प्लान है कि गाइज आज एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले यार माफिया बॉस ने मेरी स्कॉर्पियो को उड़ा दिया था। हाँ, बहुत जल्दी उससे भी बदला लेना है, पर आज अपना प्लान है एक बढ़िया सी गाड़ी लेने का। तो गाइज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। और ये वाले चैनल पर मैं GTA की शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ। अगर आप लोग को बड़ी वीडियोस देखनी है तो मेन वाले चैनल पर जाओ यार, वहाँ पर तुम्हें एक एक घंटे के वीडियोज़ मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग गेम प्ले लेकर आ रहा हूँ, देख रहे हो भाई अलग अलग गेम प्ले। तो लाइक करो यार और शेयर भी ज़रूर कर देना। बाकी अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ, और मेरे को ट्रेवर का ना कुछ अता पता नहीं लग रहा है। ट्रेवर पता नहीं कहाँ चला गया भाई, मैं अभी अभी उठा हूँ एंड मुझे लगता है ट्रेवर मेरे से पहले ही निकल गया। और ट्रेवर को ये नहीं पता है कि अपने पास लंबोर्गिनी और भाई वो कार लेकर तो नहीं चला गया। एक मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने ना पीछे के साइड गाड़ियाँ खड़ी करी थी, मतलब दोनों लंबोर्गिनी हम लोगों ने वहीं लगाई थी। तो फटाफट से चल के चेक करते हैं। तुम लोग पीछे देख रहे हो वहाँ पर एक और घर नज़र आ रहा है। ओके तो गाइज मेरे को लंबोर्गिनी नज़र तो आ रही है, मतलब ट्रेवर भाई कार लेकर नहीं गया। चलो अच्छा है यार, अगर ट्रेवर कार भी ले गया होता ना तो भाई दिक्कत हो जाती, क्योंकि इन दो गाड़ियों को हम लोगों ने फिल्म सिटी से चोरी किया है भाई। पुलिस अपने पीछे ही पड़ी है, तो अपने को भाई जल्दी से जल्दी गाड़ियों को पहुँचाना है। ओके तो गाइज यहाँ पे लंबोर्गिनी एवेंटाडोर तो खड़ी हुई है, पर हुरैकन यहाँ पे नहीं है। एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी दूसरी वाली। अबे यार ये ट्रेवर ना अपने साथ गाड़ी को भी लेकर चला गया है भाई, ये ना मुसीबत में फंसाएगा। अगर हम लोगों ने दोनों गाड़ियों को साथ में सेल नहीं किया तो अपने को भाई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। बाकी गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इस वाली गाड़ी को अपने को रिपेयर कराना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गई थी। पर हाँ, मकैनिक ने इस पर पेंट ही नहीं किया है, तो अभी मेरे को इसका कलर भी चेंज कराना है, और थोड़ी बहुत जो भी दिक्कतें होंगी ना सब कुछ रिपेयर कराना है, क्योंकि लेस्टर ने बोला है कि गाड़ी उसको एकदम बढ़िया सी कंडीशन में चाहिए, एकदम कलर वगैरह चेंज करके, क्योंकि सेम कलर में हम लोग लंबोर्गिनी को भाई लॉस सांटोस नहीं ले जा सकते। अगर किसी ने पहचान लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। बाकी यार अभी मेरे को ट्रेवर को कॉल करना पड़ेगा यार, ये कहाँ चला गया भाई लंबोर्गिनी को लेकर। तो अभी मेरी ट्रेवर से यार बात हो गई, और गाइस ट्रेवर बोल रहा है कि यार उसे सुबह सुबह काफ़ी तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चला गया, एंड उसने मेरे को लोकेशन बता दिया। तो मेरे को फटाफट से पहले उसके पास आना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसे बोला ना कि कार को लेकर लॉस सांटोस पहुंच जा, तो वो बिना कलर चेंज कराए गाड़ी को ऐसे ही ले जाएगा, और अगर वो ऐसे ले गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो पहले तो अपने को गाड़ी को अच्छे से रिपेयर कराना है, एंड उसके बाद इसका कलर भी चेंज करना है। ओके तो पहले काम करते हैं, फटाफट से अपनी लंबोर्गिनी को भगाते हैं और ड्राइवर को लेकर आते हैं। मैं उसे ना साथ में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी गड़बड़ी हो। अगर छोटी सी भी गड़बड़ी हो गई ना तो लेस्टर भाई पैसे वैसे कट कर लेगा, और फिर काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि गाड़ियों को चोरी करने में यार काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गई थी। फिल्म सिटी से तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, पर भाई लॉस सांटोस की पुलिस अपने बुरी तरीके से पीछे पड़ी थी। फटाफट से लंबोर्गिनी को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं गाइस ड्राइवर के पास। तो अभी हम लोग ड्राइवर के पास पहुंचने वाले हो, और जल्दी से चल के उसको लेकर आते हैं। और एक सेकेंड भाई, ये लंबोर्गिनी हुरैकन है ना। एक सेकेंड भाई, ड्राइवर ने बोला था कि वो एक रेस्टोरेंट में है, लंबोर्गिनी यहाँ क्या कर रही है। एक सेकेंड मेरे को आराम से देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेवर रेस्टोरेंट में और लंबोर्गिनी यहाँ पे कोई चोरी करके लेकर आ गया। पर ये वाला एरिया तो बाइकर गैंग, और एक सेकंड गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा बाइकर गैंग के बंदे नज़र आ रहे हैं। अरे लोग यहाँ पे कर क्या रहे। एक सेकंड भाई, बहुत सारे लोग खड़े हो, ट्रेवर भाई ट्रेवर भी यहीं पे खड़ा है, और ये यहाँ क्या कर रहा है यार। गाइस सब ने गन निकाल रखी है, ट्रेवर के हाथ में भी यहाँ पे पिस्टल है। मेरे को अभी जाना पड़ेगा। ट्रेवर मेरी बात सुन भाई, लड़ाई नहीं करनी है अभी हम लोग को, पहले गाड़ियाँ पहुँचा कर आनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। भाई ट्रेवर मेरी बात सुन, अभी हम लोग को यहाँ से चलना पड़ेगा। और वो देखो राइट साइड में बंदा खड़े होके और भी यहाँ पे गैंग के बंदे बुला रहा है, और ये लोग धमकी दे रहे हैं यहाँ पे हमसे लड़ाई करने के लिए।
ट्रेवर यार देख ये सही टाइम नहीं है इनसे लड़ने का, अभी हम लोग को चलना चाहिए यार, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, गाड़ी के पैसे भी लेने हैं। तो बात मेरी मान भाई, चल यार लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला, फटाफट से आ जा। तो अभी मैंने ड्राइवर को बोला कि यार अभी हम लोग यहाँ से चलना चाहिए, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। तो तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, या तो लफड़ा हो चुका और ड्राइवर ने भाई यहाँ पे गन निकाल ली है, मतलब पिस्टल तो इसने पहले निकाल ली थी। और ये देखो यार निकल तेरी, पीछे से खड़े होकर मार रहा है। एक सेकेंड यार, यहाँ पे अभी हम लोग को लड़ना नहीं था गाइस, यार यहाँ पे पुलिस ना आ जाए, ड्राइवर जल्दी से जल्दी इन्हें निपटाना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं तेरी हेल्प करता हूँ निपटाने में, रुक जा टेंशन ना ले। यहाँ देख रहे हो, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। एक सेकेंड भाई, तुम लोगों के पास पिस्टल है ना, और मेरे पास यहाँ पे मशीन। भाई मिस्टर शार्प शूटर, अबे ट्रेवर चल यार क्या कर रहा है। एक सेकेंड भाई निकलो यहाँ से, निकल भाई। मैं एक काम करता हूँ ट्रेवर, तू यहाँ से मार, मैं बैक साइड से जाता हूँ। एक सेकेंड, अभी इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। निकल यहाँ से, बैक साइड से निकल यहाँ से। एक एक को हेड मारने वाला हूँ मैं, पिस्टल का कमा दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। भाग का रहा है अब भाग का रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं हैं और इससे पहले यहाँ पे आए। निकल यहाँ से ट्रेवर, तूने इंचन ना ले। ओके अबे सबको ख़त्म कर दिया ट्रेवर भाई, बात सुन, निकल यहाँ से, चलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी अपनी। अबे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई, लैम्बोर्गिनी उठा और जल्दी से निकल, जल्दी मेरे पीछे आ फटाफट। अबे जल्दी मेरे पीछे आ, लैम्बोर्गिनी को लेकर यहाँ से निकलते हैं इससे पहले और भी गैंग के बंदे आ जाएं। तो अभी ड्राइवर को मैंने समझा दिया और ड्राइवर भी यहाँ पे समझ भी चुका है गाइस, फटाफट से अपने को लैम्बोर्गिनी को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक सेकंड, वो जा कहाँ पे रहा है भाई, मैंने उसको बोला कि जल्दी से जल्दी हम लोग को लैम्बोर्गिनी को लॉस सांटोस पहुँचा रहे हैं। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, और भाई कितनी गंदी भगा रही है लैम्बोर्गिनी। ड्राइवर चल ठीक है, हाईवे पे जा रहा है, बहुत सही, अपने को जल्दी से जल्दी हाईवे पे पहुँचना पड़ेगा। ओके बहुत सही भाई, अभी क्या, अबे ड्राइवर कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ, हेलो बैक करके यहाँ से जाना है भाई, क्या कर रहा है ड्राइवर यार, रिपेयर करवानी पड़ेगी अभी अपने को गाड़ी। तुम लोग यहाँ देख रहे हो कितनी ज्यादा टूट भाई, क्या कर रहा है यार ये बंदा, देख रहे हो हद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, ये अपने आप पहुँच जाएगा। मैं काम करता हूँ फटाफट से, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये देख रहे हो शॉर्टकट मार के, और क्या भगा रहा है यहाँ पे, लैम्बोर्गिनी इसके हाथ लग जाती है तो ये ऐसे ही करता है। ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, आराम से चला, तोड़ फोड़नी नहीं है। बाकी मैं एक काम करता हूँ फटाफट से, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को लेता हूँ और जल्दी से लेस्टर के पास पहुँचता हूँ। पहले मुझे गाड़ी को रिपेयर करना है, ड्राइवर बाद में पहुँच जाएगा। और हाँ मुझे गाड़ी का कलर भी चेंज कराना है, मेरे को गाड़ी का कोई भी कलर रखना है, और उसके पैसे मैं ही दूंगा। और एक बार मैं देख लूँ ड्राइवर आ तो रहा है ना, कैसा हो कि वो आए ना, मैं इंतजार करता रहा। ओके आ रहा है, अभी गाड़ी उसने स्लो कर लिया। एक काम करते हैं, पहले उसको यहाँ से थोड़ा आगे जाने देते हैं, कहीं उसका कोई लफड़ा वगैरह हो गया ना रास्ते में तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और एक गाड़ी को तो हम लोग सेल भी नहीं कर। पर ट्रेवर भाई क्या यार, इसके पीछे क्यों आ रहा है, हद है भाई, देख रहे हो उसके पीछे पीछे ला रहा है एकदम आराम से। पर ट्रेवर लैम्बोर्गिनी काय के लिए होती है भाई, भगा उसको, जब भगा नहीं होती है तो भगाता ही नहीं है, जल्दी से भगा यार, क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहा है भाई ये, बहुत। ओके अब इसने देखो तेज चलाई मेरी बात सुन के। ओके तो गाइस अभी इसे समझ में आ चुका है, अभी देख रहा हूँ क्या तेज़ी से लैम्बोर्गिनी भगा रहा है, मैं भी फटाफट से भगाता हूँ और जल्दी से भाई लॉस सांटोस निकलते हैं। भाई देख रहे हो कितना पीछे कर दिया मैंने उससे, भाई रेस मत कर ड्राइवर, तू कभी नहीं जीत पाएगा भाई, भगा तो वो भी बहुत ज़्यादा रहा है, पर माइकल बहुत ही हैवी ड्राइवर है। तो अभी यार मैं कार को लेकर सीधे लेस्टर के पास जा रहा था, पर गाइस रास्ते में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई भाई, एक खतरनाक वाला मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम लोग गाड़ी की कंडीशन देखोगे भाई, आगे से पूरा का पूरा बोनट ही निकल गया है। मैं आप लोग को साइड में लगा के ना एक बार दिखाई देता हूँ, यहाँ पे देखो भाई गाड़ी का पूरा बोनट निकल गया भाई, आगे से ग्लास वगैरह भी टूट गया, गन अंदर रखो, ये देखो। तो मैं लैम्बोर्गिनी को यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भगा रहा था और इसकी हालत ख़राब हो गई, पूरे में मिट्टी लग गई है, आगे से पूरा बोनट टूट चुका है, जो भाई इसकी सामने का जो मिरर है वो भी पूरा टूट चुका है भाई, गाड़ी में बहुत नुकसान हो गया है। तो लेस्टर को मैंने बोल दिया कि यार मैं पलीटो ले जा रहा हूँ, वहीं से मैकेनिक से रिपेयर करा लूँगा, क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी को लॉस सांटोस में ले गए तो एक तो पुलिस का खतरा है, ऊपर से लॉस सांटोस में खर्चा भी बहुत आ जाएगा। तो अभी मैं इसे पलीटो ले जाता हूँ, पूरा बोनट वगैरह नया डलवाना पड़ेगा भाई, पूरी गाड़ी नहीं करवानी होगी, कलर वगैरह भी मैं वहीं पे करा लूँगा। ट्रेवर को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि गाड़ी का ना कलर चेंज करा के ले जाए, तो ट्रेवर शायद मेरे से जल्दी पहुँच जाएगा क्योंकि उसकी गाड़ी एकदम सही है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेवर गाड़ी पहले लेस्टर को दे देगा, मैं थोड़ा सा लेट दे दूँगा। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से मैकेनिक के पास चलते हैं और मैकेनिक भी यार मिल जाए, क्योंकि यहाँ का मैकेनिक ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये लंबोर्गिनी की स्पीड ना ज़्यादा है नहीं, मतलब मॉडिफाई करानी पड़ेगी। 200 तक पहुँच रही है हाईवे पे, 180, 187, 190, 200 तक तो देखो आराम से पहुँच जाती है। बट उसके बाद अगर भाई इसको भगाना है तो मॉडिफाई करा के इसकी स्पीड बढ़वानी पड़ेगी। बाकी गाइस आ चुके हम लोग मैकेनिक की शॉप पे, अभी मैं ज़्यादा गाड़ी को और नहीं भगाने वाला हूँ। अबे अभी भाई क्या कर रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है? ओके तो गाइस बहुत सही, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मैकेनिक की शॉप पे, फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं और पहले मैकेनिक से बात करते हैं। एक सेकेंड यार, अभी तो यहाँ पे कोई और मैकेनिक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से बात कर लेते हैं। ओके तो गाइस अभी मेरी इस बंदे से बात हो गया एंड ये बता रहा है कि यार गाड़ी को तो यही रिपेयर करेगा माइकल, फटाफट से अपनी गाड़ी अंदर लगा दे, गाड़ी को रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कह रहा है इसके पास भाई बोनट वगैरह पड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, गाड़ी आधे घंटे में पूरी रिपेयर हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ गाड़ी को यहाँ लगा देता हूँ। बाकी मैंने इसको बोल दिया है कि यार गाड़ी का कलर मेरे को चेंज करना है, ब्लैक या फिर येलो कलर पे कर दे। तो अभी देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है, वैसे इसने आधा घंटा बोला है तो अभी हम लोग को आधे घंटे तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी गाइस काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली अपनी लंबोर्गिनी यहाँ पे रिपेयर हो चुकी है और भाई इस बंदे ने यहाँ पे गाड़ी पे कलर वगैरह भी कर दिया है और कलर ना यहाँ पे स्प्रे से किया, इसीलिए यार कलर भी बहुत जल्दी हो गया। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो भाई पूरी ब्लैक कलर में, क्या बढ़िया लग रही है और अपना खर्चा भी ज़्यादा नहीं हुआ है। वैसे जो भी बिल वगैरह बनेगा ना वो लेस्टर ही देने वाला है भाई, मैं तो उसको ले जाके बिल दे दूंगा, पैसे वही देगा। बाकी मैकेनिक ने मेरे को एक बहुत ही बढ़िया डील बताई है, तो मैकेनिक को मैंने बोला कि यार कोई गाड़ी सेल हो रही है, कोई बढ़िया सी गाड़ी, तो ये बोल रहा है कि यार एक लॉस सांटोस में एक बंदा है जो अपनी लैंड क्रूजर सेल करना चाहता है, वो भी काफ़ी बढ़िया प्राइस में। तो गाइज मैंने अभी इससे उसका नंबर वगैरह ले लिया और गाइज लैंड क्रूजर यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, अपने को वैसे भी एक ऑफ रोडिंग की तगड़ी गाड़ी चाहिए थी एंड लैंड क्रूजर अगर अपने को मिल गई ना भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई मैकेनिक तो उस बंदे को कॉल वगैरह कर देना, मैं जाके उससे सीधे मिल लूँगा और अगर हाँ मेरे को लैंड क्रूजर अच्छे प्राइस में मिल जाती है तो मैं तेरे को भी बढ़िया कमीशन दे दूंगा। बाकी फटाफट से यार पहले लंबोर्गिनी को पहुँचाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, आधा घंटा बोला था इसने और पूरा एक घंटे से ज़्यादा लग चुका है। तो भाई तुम लोग यहाँ देखो यार क्या चमचमाती हुई लंबोर्गिनी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हम लोगों ने इस कार को फिल्म सिटी से चोरी किया था, वो एकदम बढ़िया बना दिया। तो फटाफट से लंबोर्गिनी को भगाते हैं, पहले भाई लंबोर्गिनी को पहुँचा के ना अपन लोग पैसे वगैरह ले लेंगे, उसके बाद मेरे को जाना है लैंड क्रूजर देखने। वैसे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो सेकेंड हैंड है, पर मैकेनिक बोल रहा था कि जिस बंदे ने खरीदी है ना उसे खरीदे वो भी ज़्यादा टाइम हुआ है, सिर्फ 10-15 दिन हुए होंगे, उसे मज़ा नहीं आ रहा है, उसे कुछ सुपर कार लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मज़ा आ जाएगा अगर अपने को बढ़िया प्राइस में मिल जाए। भाई नई लैंड क्रूजर अपने को अगर सेकेंड हैंड के प्राइस में मिल गई तो क्या फ़ायदा हो जाएगा अपना। फटाफट से अपनी कार को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई लेस्टर के पास। तो अभी हम लोग यार लंबोर्गिनी को लेकर लेस्टर के पास जा ही रहे थे और भाई उसके बहुत सारे कॉल आ गए, बोल रहे हैं भाई माइकल कहाँ रह गया, ड्राइवर तो कब का गाड़ी को देकर और पैसे लेकर भी चला गया है, बस माइकल जल्दी से आ जाए उसके बाद पूरा पेमेंट मिल जाएगा। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं रास्ते में ही हूँ, तो मेरे को ये वाली गाड़ी रास्ते में डिलीवर करनी है, तो मेरे को एक लोकेशन मिली है, मेरे को बीच के पास पार्किंग में ले जाके इस गाड़ी को लगा देना है, अपना काम हो जाएगा। तो अच्छा है यार अपने को अभी लेस्टर के घर पे नहीं पहुँचानी है ये गाड़ी, जैसे ही मैं बीच पे पहुँचा दूंगा ना उसके बाद मेरे को पूरा पेमेंट मिल जाएगा, मैं फटाफट से इसको बीच पे लगाता हूँ। और जो चोरी की गाड़ियों की डील होती है ना गाइस वो ऐसे ही होती है, वो खुलेआम नहीं होती है, ऐसी पार्किंग में मैं लगा दूंगा एंड जिसको भी मंगानी होगी वो इसको पार्किंग से उठा देगा, क्योंकि मैंने इसमें लॉक नहीं लगाया है। एक काम करता हूँ ना, बीच पे लगाने की जगह मैं क्यों ना अंदर के साइड लगा दूँ, ये जगह एकदम ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ लंबोर्गिनी को मैं यहाँ लगाता हूँ, मैं इसको लॉक नहीं करूँगा, मैं इसका गेट यहाँ पे बंद कर देता हूँ, पर गाड़ी खुली हुई है, जिसको भी लेनी होगी वो आके ले जाएगा, मतलब जिसको लेस्टर ये लोकेशन बताएगा वही बंदा उठाएगा। ओके बहुत सही, अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, अपना काम हो गया, लेस्टर ने मेरे को इतना ही बोला था, अब बस कुछ ही देर में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और एक बार पैसे आ जाएँ उसके बाद हम लोग चलते हैं लैंड क्रूजर देखने और देखते मैं इस गाड़ी को खरीद लूँगा। तो अभी यार मेरे पास लेस्टर का कॉल आया और लेस्टर बोल रहा है कि यार पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, माइकल को 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना इंतज़ार तो अपन लोग कर ही लेंगे, बाकी एक काम करते हैं क्यों ना यहाँ से कोई गाड़ी उठाते हैं और सीधे चलते हैं लैंड क्रूजर देखने, तब तक अपन लोग उसको देखकर आते हैं और अगर अपने को गाड़ी पसंद आ जाएगी ना तो एडवांस देकर मैं गाड़ी फाइनल कर दूंगा। ओके तो कौन सी कार चोरी करूँ, ये वाली गाड़ी बढ़िया लग रही है भाई, एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसको उठाते हैं।
भाई ये गाड़ियाँ ना लॉस सांटोस में बहुत चलती है। एक सेकेंड, नहीं भाई ये इलेक्ट्रिक कार नहीं है, वो दूसरी होती है ऐसी, ये कन्वर्टेबल वाली है क्या? नहीं नहीं यार ये कन्वर्टेबल नहीं है भाई, कन्वर्टेबल होती ना तो पक्का इलेक्ट्रिक कार होती, ये वो नहीं है। तो वे काम करते हैं, इस कार को लेते हैं, सीधे चलते हैं भाई उस बंदे के घर पे लैंड क्रूजर को देखने। तो अभी हम लोग यार उस बंदे के घर पे पहुंचने वाले, और मैंने उसको यार कॉल भी कर दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि यार वो माइकल का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मैकेनिक का उसके पास कॉल आ गया था एंड उसने अपनी गाड़ी को भी यार गैराज से मंगा के यहाँ पे अपने घर पे मंगा लिया है। ओके, तो यहीं कहीं पे उसका घर है। एक काम करते हैं, पहले गाड़ी को मैं यार इस साइड में लगा देता हूँ, यहाँ लगा देते हैं साइड में। ओके, बहुत सही, एंड फटाफट से चल के देखते हैं। तो शायद ये वाला घर है ना। ओके, तो पहले मेरे को उसको कॉल करना पड़ेगा यार, ऐसे ही मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। ओके, तो गाइस अभी मैंने उस बंदे को कॉल कर दिया एंड उसने मेरे को देख भी लिया है, वो खड़ा है सामने। ओके, हेलो सर, कैसे हो आप? तो मैं ही हूँ भाई वो बंदा जिसे लैंड क्रूजर चाहिए, तो आप बता दो प्राइस वगैरह कैसे क्या है और गाड़ी कहाँ पर है। ओके, तो गाइस अभी मेरी इस बंदे से बात हो गया एंड ये बोल रहा है कि माइकल गाड़ी देख ले, गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। तो गाइस ये खड़ी है सामने येलो कलर में लैंड क्रूजर, एंड मैंने इसको बोला कि भाई गाड़ी का प्राइस क्या है, तो पहले बोल रहा है कि पहले माइकल अच्छे से कार को देख ले एंड उसके बाद ऊपर आके आराम से पैसे की बात कर लेंगे। तो गाइस गाड़ी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी सेल क्यों कर रहा है भाई। 10 दिन हुए इसे गाड़ी को लिए हुए एंड मैकेनिक बता रहा था कि चली भी बहुत कम है एंड घर में ही खड़ी है ये गाड़ी, पता नहीं क्यों सेल कर रहा है। पर जो भी हो यार, अपने को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है भाई, सेकंड हैंड के प्राइस में अपने को एक न्यू ब्रांड न्यू कार मिल जाएगी, वो भी बहुत ही दमदार कार। इससे ऑफ रोडिंग करो भाई, सड़कों पर भगाओ, जो करना है करो भाई, लग्जरी फील होता है इस गाड़ी को चला के। बहुत ही प्यारी कार है, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, पीछे लिखा है लैंड क्रूजर। तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा सही है, बाकी यार अभी लॉक हो रखी होगी तो मैं इसे भाई बैठे भी नहीं सकता। एक मिनट ट्राई करता हूँ, क्या इसका डोर ओपन है? ओके, तो गाइस डोर ओपन है भाई, उस बंदे ने गाड़ी खोल दी है ताकि मैं चेक कर पाऊँ यहाँ पे। और एक काम करते हैं अपन लोग, ओके बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो भाई पिकअप भी गाड़ी का बहुत ही सही है गाइस, तो गाड़ी तो मेरे को पसंद आ गई। अभी चल के भाई उस बंदे से बात करते हैं, गाड़ी जितने की भी है गाड़ी तो मैं यही लेने वाला हूँ, पर मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे पास ना ज़्यादा पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ यार देखो, पुरानी गाड़ी है, मतलब सेकंड हैंड के प्राइस में अगर मिलती है तो सही है। ओके यार ये तो गेट लॉक है, काम करते हैं यहाँ से चढ़ के जाते हैं। बहुत सही, अबे यार कितना चढ़ना पड़ेगा भाई, रास्ता ही बंद कर रखा है क्या इन लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो पीछे जाके यार बात करनी है, कैसे भी करके भाई उसे मनाना पड़ेगा कि गाड़ी मुझे ही चाहिए। ओके सही घर में आया किसी और में आ गया? लग तो हाँ सही घर में हूँ भाई, मुझे लगा मैं गलत तो नहीं आ गया। ओके तो ये खड़ा है भाई यहाँ का ऑनर, मेरे को नहीं पता ये सेल क्यों कर रहा है और मैं पूछूंगा भी नहीं, बस मुझे ये पता करना है गाड़ी कितने में मिलेगी, कम से कम कितने मिल सकती है। ओके तो गाइस अभी मेरी इस बंदे से बातचीत हो गई और भाई इसे काफ़ी ज़्यादा समझाया, तब जाके मेरी इसे डील हुई है। तो पहले तो ये सीधे सीधे मना कर रहा था कि भाई ये अपनी गाड़ी सस्ते पैसे में नहीं बेचेगा, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा समझाया, मैंने इसको बोल दिया अभी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा बजट भी ज़्यादा नहीं है, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं ब्रांड न्यू कार लेता कार शोरूम से जाके, भाई सेकेंड हैंड क्यों लेता? तो ये बोल रहा है कि भाई ये सेकेंड हैंड नहीं है, नई कार है। तो सर कार शोरूम से निकलने के बाद भाई चाहे एक दिन हो एक घंटा हो, गाड़ी सेकेंड हैंड में ही आ जाती है। तो अभी ये बंदा मान तो गया है, मैंने इसको कैश वगैरह भी दे दिया है, गाड़ी मैं अभी लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने कैश दे दिया, ऑनलाइन पे कर दिया, मेरा अकाउंट पूरा जीरो हो चुका है क्योंकि लेस्टर ने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। कोई दिक्कत नहीं है गाइज, अपने को फाइनली यार एक बढ़िया सी गाड़ी मिल चुकी है, लैंड क्रूजर। आप लोग कॉमेंट में बताओ यार आप लोग को कैसी लगती है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। बाकी यार गाड़ी के पेपर्स वगैरह का काम आज नहीं हो पाएगा, छुट्टी का दिन है, तो पेपर्स तो एक दो दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र होंगे, मतलब अभी गाड़ी इसके नाम है, एक दो दिन के अंदर माइकल के नाम हो जाएगी। मैंने अमाउंट तो पूरा दे दिया है, कहीं भाई मैं थोड़ा बहुत अमाउंट देता ना तो गाड़ी नहीं ले जाने देता, और हो सकता है कोई और गाड़ी खरीद ले। गाड़ी तो भाई मेरे को पसंद आ गया, गाड़ी तो मैं ही लेकर जाऊँगा, बाकी मैं इसको चला के टेस्ट करने वाला हूँ कि कोई कमी तो नहीं है, ऐसा ना हो कि 10 दिन के अंदर इसने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया हो एंड उसके बाद बेच रहे हैं, पर लग तो नहीं रही यार एक्सीडेंट वाली, लग बहुत ज़्यादा सही रही है, मैंने की वगैरह ले ली है। ओके तो गाइस फाइनली यार अपनी गाड़ी हो चुकी है, कलर भी सही है यार, बाकी देख लेंगे बाद में चेंज करा लेंगे आराम से एकदम। ओके स्क्रैच तो नहीं भाई, यार स्क्रैच लग गया यार, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब स्क्रैच लग गया जो भी हो, गाड़ी अपनी आराम से भाई एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी भाई, मैं पहली बार लैंड क्रूजर चला रहा हूँ भाई। ओके पिकअप वगैरह तो काफ़ी सही लग रहा है, पिकअप बहुत सही है यार,
देख रहे हो 100 यू पहुंच जा रही है। ब्रेक कंट्रोलिंग भी बहुत से है यार, और सनरूफ भी है भाई गाड़ी में ऊपर। गाड़ी भाई काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी तो मज़ा आ रहा है चलाने में। स्पीड भी काफ़ी सही है, पिकअप भी सही है, ब्रेकिंग भी देख रहे हो भाई। गाड़ी रुक भी एक ही जगह जा रही है, मैं जहाँ ब्रेक लगा रहा हूँ गाड़ी वहीं फ्रीज हो जा रही है। मतलब ब्रेकिंग वगैरह एकदम सही है, इंजन वगैरह एकदम सही है गाड़ी का, एक्सीडेंट वाली नहीं लग रही गाइस। मेरे को नहीं पता वो बेच क्यों रहा है, पर चलो यार अपनी कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल चुकी है भाई। इसे हाईवे पे भगाते एक बार, चल के देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है, फटाफट से इसको लेकर हाईवे पे चलते हैं। तो अभी हम लोग अपनी लैंड क्रूजर को लेकर यार हाईवे पे आ चुके हैं, और गाइस अभी इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। अभी यहाँ देख रहे हो 107 आराम से, 110 आराम से पहुँच गई है स्पीड इसकी भाई। गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सही है, एंड भाई यहाँ देख रहे हो क्या लग रही है भाई गाड़ी, 150, 160 या 200 तो मुझे लगता है आराम से पहुँच जाएगी। ओ भाई क्या बढ़िया इंटीरियर है भाई इसका, प्रीमियम है गाड़ी, बहुत प्रीमियम लुक दे रही है अंदर से भी और बाहर से भी। 140, 200 तक पहुँच जाएगी अगर सीधा हाईवे हुआ, अगर ब्रेक नहीं लगाए ना कहीं तो आराम से पहुँच जाएगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि बाद में ना इसको भाई मॉडिफाई तो अपन लोग ज़रूर कराएंगे। इसके मेरे को व्हील चेंज करा रहे हैं, स्कॉर्पियो की तरह करा रहे हैं, व्हील वगैरह चेंज कराऊंगा, तगड़ी बनाऊंगा, और उसके बाद अपन लोग इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट भी करेंगे लैंड क्रूजर का, देखते हैं भाई इसमें दम कितना है। बाकी गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा सही, तो अभी इसको बैक करते हैं और सीधे अपने घर पे लेकर चलते हैं। ओके बहुत सही, मैकेनिक के पास मैं बाद में ले जाऊँगा एक बार चेक कराने की गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है इंजन वगैरह में, एक बार चेक कराने बाद में ले जाएंगे। बाकी अभी तो गाइस यार घर की तरफ चलते हैं, और लेस्टर को भी कॉल करना पड़ेगा, अभी तक पैसा नहीं डाला भाई उसने, क्या भाई काम करवा लिया और पैसा अभी तक आया ही नहीं है। फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ और इस वाले वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करो यार, और बाकी कॉमेंट में मेरे को बताना कि आप लोग को ये गाड़ी कैसी लगी। बाकी मैं आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।